जब भी आपका कुछ मीठा खाने को मन करे तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी लेके आए हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बन जाती है। ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। हम आज बनाने जा रहे हैं बाजरे की चूरी। बाजरे की चूरी बनाने के लिए हमने 1 कप बाजरे का आटा लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून पिसी हुई सौंफ डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए बाजरे की चूरी बनाने से पहले इसका डो तैयार कर लेते हैं। ये हमने गरम पानी लिया है, पानी इतना गरम लेना है ताकि इसमें हाथ डालें तो सहन कर सकें, और इसे गरम पानी से ही गूंथना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आटे को अच्छे से नीड करना है। हमने 4-5 मिनट आटे को अच्छे से नीड किया। ये देखिए हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो गया। अब इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। डो को रखे 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे एक बार थोड़ा और नीड कर लेते हैं और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसके दो हिस्से कर लेंगे, एक जैसे ऐसे पेड़े को गोल करेंगे और इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे। ये हमने सूखा आटा भी बाजरे का ही लिया है और इसे बेलेंगे। तवे को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला रोटी को बेलना है, मीडियम करना है। तवा गरम हो चुका है, हमने गैस को मीडियम पे कर दिया है और इस पे थोड़ा सा घी डालेंगे और घी को सब तरफ फैला देंगे। अब इसके ऊपर रोटी डालेंगे और इसे 15-20 सेकंड के बाद पलटी करेंगे। अब रोटी को पलटी करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे सेक लेंगे 15-20 सेकंड के लिए, फिर इसे पलटी करेंगे। अब इसकी साइड पलटी करेंगे और रोटी के ऊपर थोड़ा घी लगाएंगे। घी को सब तरफ फैला देंगे, फिर से इसे पलटी करेंगे और दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे और ऐसे ही दोनों तरफ से पलटी करके इसको सेक लेंगे। तब तक दूसरी रोटी बेल लेंगे और बीच बीच में पहली रोटी को पलटी करते रहेंगे। रोटी दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प हो गई है और गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे और इसी तरह से दूसरी रोटी को भी बना लेंगे। हमारी दूसरी रोटी भी अच्छे से क्रिस्प हो गई है और गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब क्या करेंगे, ये पहली वाली रोटी को भी इसके ऊपर रख देंगे क्योंकि वो ठंडी हो चुकी है। चूरी बनाने के लिए रोटी बहुत गर्म होनी चाहिए तो ही बराबर चूरी बनेगी, ठंडी रोटी की चूरी अच्छी नहीं लगती। इसे फिर से गरम कर लेते हैं, दोनों रोटियों को अच्छे से सेक लेते हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इन्हें एक बोल में डाल देंगे और इसे हल्का ऐसे क्रश करेंगे। ये देखिए आराम से हो रही है, कितनी क्रिस्पी रोटी बनी है हमारी। अब इसे बिल्कुल ऐसे छोटा छोटा क्रश कर लेना है। ऊपर से घी डालेंगे। ये हमने 4 टेबलस्पून घी लिया था, 2 हमने रोटी को तलने के लिए डाल दिया था, अब 2 इसके ऊपर डालेंगे। आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। साथ में ये हमने 1/4 कप क्रश किया हुआ गुड़ लिया है, ये भी डाल देंगे। ये हमने 5 बादाम और 5 पिस्ता लिए थे, ये आधे हम गार्निश के लिए रखेंगे और आधे इसमें डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और क्रश करेंगे।
अगर घी की और ज़रूरत होगी तो थोड़ा और ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा घी और इसमें ऐड करेंगे। हमने टोटल इसमें 3 टेबलस्पून घी डाला है चूरी में, अब बिल्कुल बराबर है। जो थोड़े मोटे पीसीज हैं उन्हें भी क्रश कर लेंगे। लीजिए, हमारी चूरी तैयार है, अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, बाजरे की चूरी। ये चूरी बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।